गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर कंप्यूटर बुक। चैप्टर 2, पेज नंबर 12, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी सिस्टमैटिकली। कंप्यूटर एक सिस्टमैटिकली काम करता है, सिस्टमैटिकली वर्क करता है। अ कंप्यूटर फॉलोज अ 3 प्रोसेस साइकिल। कंप्यूटर 3 प्रोसेस साइकिल को, ये 3 प्रोसेस साइकिल हैं, इनको फॉलो करता है। लेट्स रीड अबाउट दिस। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा है, इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस, ये हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है। सेकंड कंप्यूटर क्या करता है, आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिपेयर्स द रिज़ल्ट। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। थर्ड स्टेप में एट लास्ट, आखिर में ये रिज़ल्ट को शो करता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है। लेट्स मूव अहेड। हाउ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कैसे लेता है। द कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ यूज़र थ्रू द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन को यूज़र से एक इनपुट डिवाइस के थ्रू लेता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को यूज़र के थ्रू, यूज़र से लेता है इनपुट डिवाइस के थ्रू। नाउ व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है क्या, क्या होती है। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कि जिस डिवाइस के यूज़ से इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज फॉर प्रोवाइडिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आमतौर पर यूज़ की जाती हैं डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रोवाइड करने के लिए। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। फर्स्ट इज़ कीबोर्ड। पहली डिवाइस कौन सी है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अ कीबोर्ड इज़ यूज फॉर एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। अ माउस इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। थर्ड इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। अ बारकोड रीडर इज़ यूज फॉर रीडिंग कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बारकोड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के पीछे बारकोड होता है हमेशा, वो वाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं। उन कोड से इंफॉर्मेशन को पढ़ने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर। नाउ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। द जॉयस्टिक इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग आर गेम चॉइसेस टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमारे गेम चॉइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू अ फायर गन, टू फायर अ गन इन द गेम बाय प्रेसिंग द जॉयस्टिक बटन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, कंप्यूटर का यूज करते समय, सो एग्जाम्पल है कंप्यूटर को जॉयस्टिक बटन दबाकर गेम में फायर गन के इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। नाउ स्कैनर। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का यूज़
कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। अ स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, मैप्स एट्सेट्रा इन टू द कंप्यूटर। स्कैनर, कंप्यूटर में स्कैनर का यूज़ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और मैप्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज़, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है हमारी, माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइसिस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में माइक्रोफोन का यूज़ वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नाउ वेब कैमरा, वेब कैमरा इज़ अ इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। अ वेब कैमरा प्रोवाइड्स अ विजुअल इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को वेब कैमरा एक विजुअल इनपुट प्रोवाइड करता है, एक डिस्प्ले दिखाता है वेब कैमरा। कंप्यूटर में हमें डिस्प्ले दिखती है वेब कैमरा के थ्रू। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रोसेस करता है। लेट्स रीड, अ कंप्यूटर कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन थ्रू इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड इट प्रिपेयर्स द रिजल्ट। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट तैयार करता है, सॉरी इट प्रिपेयर्स द आउटपुट, ये आउटपुट को प्रिपेयर करता है। नाउ प्रोसेसिंग, अब हम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज डन एज फॉलोज। फर्स्ट इज, आफ्टर टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। नेक्स्ट इज, फ्रॉम मेमोरी दे आर सेंड टू द माइक्रो प्रोसेसर। मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जाता है किन्हें, इंस्ट्रक्शन को। थर्ड इज, माइक्रो प्रोसेसर कैरीज आउट दीज इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शंस को लेता है और कैलकुलेट करता है रिजल्ट के लिए। फोर्थ इज, द जनरेटेड रिजल्ट्स आर अगेन स्टोर्ड इन द मेमोरी। फिर जो जनरेटेड रिजल्ट होता है उसको दोबारा से मेमोरी में स्टोर किया जाता है, दोबारा से मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये है प्रोसेसिंग का, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सब इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। नाउ हाउ कंप्यूटर शोज़ द रिजल्ट, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर रिजल्ट कैसे शो करता है। कंप्यूटर शोज़ रिजल्ट थ्रू इट्स आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है। व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, देर इज़ अ डेफिनेशन, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है आउटपुट डिवाइस की। द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कि प्रोसेसिंग के बाद, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट। यहाँ पे कुछ डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं जो कि हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस। अ मॉनिटर इज़ यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मॉनिटर का यूज़ क्यों किया जाता है, मॉनिटर जो है हमें रिजल्ट दिखाता है। मॉनिटर में हम रिजल्ट देखते हैं प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग करने के बाद हम रिजल्ट किस में देखते हैं, मॉनिटर में ही शो होता है। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो हम मॉनिटर स्क्रीन पे देख पाते हैं।
हम इन कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, फिर उनको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट हम किस में देखते हैं? मॉनिटर में। दैट्स वाई मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। मीन्स जो डिवाइस प्रोसेस करने के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रोवाइड करती है, उसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब प्रिंटर इज़ यूज फॉर गेटिंग द आउटपुट ऑन पेपर, ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, बिल्स, टिकट्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा आर प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपर पर प्रिंटर का यूज़ पेपर पे आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, बिल, टिकट्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा आर प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपर पर ये प्रिंट, बिल, टिकट्स, रिपोर्ट्स प्रिंट किए जाते हैं। नाउ स्पीकर्स। स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट। स्पीकर ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग्स, म्यूजिक, स्पीचेस एट्सेट्रा कैन बी इंजॉयड बाय कनेक्टिंग स्पीकर्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्पीकर्स को कनेक्ट करके हम सॉन्ग्स, म्यूजिक, स्पीचेस इंजॉय कर सकते हैं। नाउ रीयूजिंग द आउटपुट। आउटपुट का रीयूज। ऑफन वाइल यूजिंग कंप्यूटर देयर कम्स अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट वंस जनरेटेड इज़ रिक्वायर्ड अगेन। कंप्यूटर का यूज़ करते टाइम एक सिचुएशन आती है जब जनरेटेड आउटपुट जो होता है उसको हमें उसकी हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ती है। इन स्कूल्स एग्जाम्पल है, इन स्कूल्स व्हेन कंप्यूटर इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट देन। स्कूल्स में जब हम रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके जब हम रिजल्ट बनाते हैं स्कूल्स में, फर्स्ट इज़ थर्ड मंथली एग्जामिनेशन मार्क्स आर अगेन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिक्स मंथली एग्जामिनेशन। जो थर्ड मंथली एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, परीक्षा जो थर्ड मंथली एग्जाम के मार्क्स हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सिक्स मंथली एग्ज़ाम में। उन मार्क्स की हमें ज़रूरत पड़ती है सिक्स मंथली एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशंस में। सेकंड इज़ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ईयरली रिजल्ट। थर्ड मंथली एंड सिक्स मंथली मार्क्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मार्कशीट एज शोन बिलो। ईयरली रिजल्ट तैयार करते समय थर्ड मंथली और सिक्स मंथली मार्क्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है फाइनल मार्कशीट बनाने के लिए, जैसे कि नीचे दिखाया गया है आपको इस पिक्चर में। ये देखिए, ये पिक्चर है। ओके, तब हमें आउटपुट की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स मूव अहेड। प्रॉब्लम विद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के साथ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम विद आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा इज दैट दे ओनली शो द रिजल्ट वंस। अब आउटपुट डिवाइस के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर हो गए, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? ये सिर्फ एक ही बार रिजल्ट शो करते हैं। आफ्टर दे प्रोवाइड द रिजल्ट, रिजल्ट को प्रोवाइड करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है, जब ये हमें रिजल्ट शो करता है मॉनिटर पे, रिजल्ट जब हमें शो होता है, एक ही बार शो होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है, आउटपुट डिवाइस डू नॉट स्टोर द रिजल्ट फॉर फर्दर यूज़। आगे के यूज़ के लिए आउटपुट डिवाइस जो है रिजल्ट को स्टोर नहीं रखता है। सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। स्टोरेज डिवाइस जो है प्रॉब्लम को
स्टोरेज डिवाइड प्रॉब्लम की सिचुएशन को सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। डिस्क्राइब्ड अबव हाउ कंप्यूटर स्टोर्स डाटा हाउ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। अब हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर कैसे रखता है। व्हेन अ कंप्यूटर सेव्स द रिजल्ट इट गेट्स परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कंप्यूटर कैन रीड डेटा फ्रॉम दीज स्टोरेज डिवाइस। अब कंप्यूटर डेटा को स्टोर कैसे रखता है। जब कंप्यूटर रिजल्ट को सेव करता है तो ये स्टोरेज डिवाइस पर परमानेंटली स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है कंप्यूटर इन स्टोरेज डिवाइस से डेटा को रीड कर लेता है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है। एनी डिवाइस दैट स्टोर्स द डेटा इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। कोई भी वो डिवाइस जो कि डेटा को स्टोर करती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। अब डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ की जाती है आमतौर पर उसको हम पढ़ेंगे। सो आर फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। हार्ड डिस्क जो है इसमें एक लार्ज अमाउंट में डेटा हम स्टोर रख सकते हैं। इट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन CPU बॉक्स, और ये एक CPU बॉक्स के साथ फिक्स्ड होता है। टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी अटैच टू इट। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसको अटैच किया जाता है। नाउ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी एक लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर रखती है। दीज हार्ड डिस्क आर नॉट फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, और ये CPU बॉक्स में अंदर फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क तो होती है CPU बॉक्स से फिक्स्ड, लेकिन ये नहीं होती है। दे कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, ये बाहर से कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर में। नाउ पेन ड्राइव, थर्ड स्टोरेज डिवाइस है हमारी पेन ड्राइव। इसमें भी हम अपने डेटा को स्टोर रखते हैं। पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। पेन ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल डिवाइस है। इट कैन बी एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और इसको हम बाहर की तरफ से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टोरेज डिवाइस इज DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD को क्या बोलते हैं, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। DVD स्मॉल अमाउंट का डेटा जो है स्टोर रखती है। डेटा ऑन अ DVD इज रिटन। DVD पे डेटा लिखा हुआ होता है यूजिंग द DVD ड्राइव। DVD ड्राइव का यूज़ करके DVD पर डेटा लिखा जाता है। इट ऑल्सो रीड्स डेटा फ्रॉम द DVD, और ये DVD से डेटा को रीड करता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज लेस देन दैट ऑफ पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है DVD की, वो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क से कम होती है। इतनी कैपेसिटी DVD की नहीं होती जितनी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क की होती है।